अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल रिपोर्टर्स ऑन स्क्रीन। मैं हूं निकीना शाहीन। नाज़रीन, साबिक डी जी ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के अदलिया और सियासतदानों के साथ रवाबत और बास के साथ माली मफादात की तहकीकात पर पेशरफ्त हुई है और इसी के नतीजे में एक अहम सियासतदान जो हैं वो बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। अदलिया में कितने जज रुख्सत लेंगे, कितने जज जो हैं वो इस्तीफ़ा देंगे, इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ साथ डिस्कस करेंगे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बैठक में आजकल क्या चल रहा है, क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो बैरून मुल्क जाना है उस वो सिर्फ बीमारी की वजह से है या उसके पीछे भी कोई और वजूहत हैं, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रोज़नामा दिन के एडिटर और दिन TV के ब्यूरो चीफ मुमताज़ भट्टी साहब। भट्टी साहब, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ मुंसलिक नेटवर्क में सियासतदानों के साथ जुड़े माली मफादात की क्या कहानी है और अदलिया में इनकी मुदाखलत के बारे में क्या इंकशाफात सामने आए हैं? देखिए, इससे पहले कि आपके सवाल की तरफ मैं बढ़ूँ, फैज हमीद नेटवर्क के जो सियासतदानों के साथ रवाबित थे और माली मामलात थे उस पर बात करें, एक खबर हम नाज़रीन को ये दे दें कि एक नए डिफेंस सेक्रेटरी की तैनाती कर दी गई है और ये तैनाती जो है वो 1 अक्टूबर से लागू होगी और चार्ज अज्यूम करेंगे और उसके बाद 2 साल के लिए जो है वो 2026 दिसंबर तक उनकी तैनाती है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली जो है वो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं जी, और उनकी रिटायरमेंट होनी है, रिटायरमेंट के अगले दिन ही वो चार्ज संभाल लेंगे। इस वक्त तक सर्विंग हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली, और ये से पहले स्ट्रेटजिक प्लान डिवीजन के अंदर रहे हैं, अभी QMG हैं। और ख़ास बात यह है कि ये ब्रदर निस्बती हैं, 4 स्टार रहे हैं जनरल मोहम्मद ज़ुबैर हयात, उनके ये ब्रदर निस्बती हैं। ये बेसिकली जनरल ज़ुबैर हयात जो हैं, ज़ुबैर महमूद हयात, ये बेसिकली 3 भाई थे, तीनों जनरल रिटायर्ड हुए हैं, ज़ुबैर महमूद हयात, अहमद हयात, और ये मतलब उस फैमिली से इनका ताल्लुक है, उनके ब्रदर निस्बती हैं ये ज़ुबैर महमूद हयात के। और ज़ाहरी बात है ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है थी फौज के अंदर, एक की फैमिली के 3 जर्नैल होना एक वक्त में, एक भाई जो है वो ISI में थे, एक 4 स्टार थे, एक 3 स्टार थे, एक जो अहमद हैं वो प्रमोट नहीं हो सके थे 4 स्टार, वो रिटायर्ड हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि उनके 2 भाई पहले ही 3 स्टार थे, एक 4 स्टार था, एक 3 स्टार था। तो इस तरह से बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है इनकी, और ये दूसरे जर्नैल हैं जिनको इन सर्विस ही उनकी रिटायरमेंट से कबल ही जो है वो अगली तकर्री का तकर्रनामा मिला है। इससे पहले आपको हमने बताया था कि ये अख्तर नवाज सती जो हैं कोर कमांडर मुल्तान में, लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती, उनको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो चेयरमैन तैनात किया गया, नोटिफिकेशन जारी हुआ, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने चार्ज लेना, अभी भी रिटायरमेंट में 1 महीना रहता है। तो अब आते हैं जी जनरल फैज हमीद के नेटवर्क की तरफ। देखिए, जो अभी तक उसका FGCM शुरू नहीं हुआ, वो पैनल अनाउंस नहीं हुआ जिसने वो करना है, और यकीनन नए AG आने वाले दिनों में चार्ज संभालेंगे। पैनल क्यों अनाउंस नहीं हो रहा था, उसकी वजह ये थी कि अभी तक उनसे तहकीकात जारी थी, एक तो वो चार्जशीट थी 2 केसेस के ऊपर जो बन चुकी हुई थी, दूसरा ये कि इजाफी चीज़ों के हवाले से भी काफ़ी उन्होंने मालूम, पहले तो वो मालूम दे नहीं रहे थे, पहले तो वो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे थे, चीज़ें ब्रेक नहीं हो रही थी, बाद चीज़ें ब्रेक हो गई। जो ब्रेक हुई तो पता चला कि ये सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं था इंटेलिजेंस के इदारों तक और दूसरे तीसरे, बल्कि इनका पॉलिटिशियंस के साथ एक बड़ी ख़ास किस्म का गठजोड़ था। बल्कि जो अब तक मेरे पास इतलात हैं वो ये हैं कि ये तस्लीम कर चुके हैं कि एक गेटवे है बैरून मुल्क, एक बड़े मशहूर पॉलिटिशियन है रावलपिंडी डिवीज़न से, अटक से उनका ताल्लुक है, उनके बेटे का, और उसमें इनके जो माली मफादात हैं, इनका शेयर कहा यह जा रहा है कि इनका शेयर है, और वो सियासतदान जिनका बेटे के साथ इनका शेयर था, उनको जैसे ही पता चला वो बैरून मुल्क रवाना हो गए, वो अमेरिका चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। अब देखना ये है कि वापस आते हैं नहीं आते हैं, क्या सूरतयाल बनती है, और ये जो तहकीकात हैं इसमें आगे कौन कौन से जो सियासतदान हैं वो मज़ीद आते हैं, ये 1 से ज़्यादा हैं। एक के बारे में जो चीज़ मिली है या जो उसने ख़ुद भी तस्लीम कर ली है वो मैंने आपको बताई है, गेटवे है बैरून मुल्क एक बड़ा, और उसमें शराकतदारी है, और उसमें वो सियासतदान जो है वो बहुत लेफ़्ट पे रहे इमरान खान के, PTI के ये PTI के MNA थे, मगर इनकी इमरान खान से बनती नहीं थी, मगर जब PTI की गवर्नमेंट गई तो ये PTI के साथ खड़े हो गए। सब हमारे लिए अचंभे की बात ये थी कि एक ऐसा सियासतदान जो इमरान खान से तंग था, जिसको कुछ दिया ही नहीं उसने, इवन के मुलाकात का वक्त नहीं दिया उसने, जब तक 3.5 साल वो इकतदार में रहा उसने मिलने के लिए वक्त नहीं दिया इसको, एक मुलाकात हुई इलेक्शन के बाद,
और उसके बाद इसके ऊपर दरवाजे बंद हो गए, पीएम हाउस के भी और पीएम ऑफिस के भी और बनीगाला के भी। तो ये सियासतदान क्यों खड़ा है इस वक्त तक इमरान खान के साथ? ये समय वो पहले पीएम लाइन में ट्राई कर रहे थे जब इनकी गवर्नमेंट थी कि किसी तरह उधर जगह बन जाए, निकल जाएँ, मगर वहाँ जगह नहीं बनी, लेकिन गवर्नमेंट जाने के बाद वो उनके साथ खड़े हो गए। तो ये मुहिमा समझ नहीं आ रहा था, तो ये जो अब नई इन्फॉर्मेशन आई है उसके नतीजे में ये समझना आसान हो गया कि वो क्यों खड़े थे। अब फैज़ नेटवर्क का दूसरा जो है जी, वो अदलिया के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आने वाली हैं। ये चूंकि एक सेंसिटिव मैटर है कि किसको मैसेज डालते थे, किसके साथ रबते में थे, ये जब चीज़ें खुद ऑफिशली रिलीज़ की जाएंगी तब इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अदलिया के अंदर उनके जो रवाबित हैं वो पाए गए हैं, और उसकी वजह ये बनी है कि एक वक्त में जब इमरान खान टिके हुए थे मॉडल टाउन में, तो उनका कहना ये था इमरान खान का कि बातचीत की जाए। उन्होंने एक पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा हैं, उनके बड़े करीबी दोस्त थे, दस्ते रास थे, पसंदीदा थे, उनको ये टास्क दिया कि बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए। बातचीत का जब दरवाज़ा खुला, अभी गिरफ्तारी से पहले की बात है, 9 मई से पहले की बात है, तो उसके बाद 4 रोज़ बाद उन्होंने उनको मना कर दिया, और मना इस तरह किया कि जी अब बातचीत करने की ज़रूरत नहीं रही। तो मालूम ये हुआ है कि इस दौरान उनको कन्वे किया गया कि बंदयाल साहब जो है वो इलेक्शन करवाने का फैसला देने वाले हैं, आप परेशान ना हो, तो वो दोबारा इलेक्शन जो है ना वो इतने दिनों के अंदर करवाएं, याद होगा आपको सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, आया था। तो वो उनको कन्फर्म कर दिया गया था, और वो जो लिंक था वो फैज़ हमीद के थ्रू ऑपरेट होता था। और ये जितनी बाकी 9 मई वाली वारदात है इसमें भी आलमोस्ट ये गंडापुर, जनरल फैज़ हमीद और ये सारी ये अब लिंकेजेस जो है ऑफिशियली चूंकि अभी ओपन नहीं हुए तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हम, लेकिन ये कन्फर्म है। अच्छा, दूसरी खबर यह है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो जा रहे हैं जी छुट्टी, और लॉन्ग लीव जा रहे हैं जी। लॉन्ग लीव मतलब 2 महीने की छुट्टी होगी जी उनकी, इससे पहले भी वो गए अमेरिका, उनकी फैमिली वहाँ पर सेटल है, उनके अपने पास भी ग्रीन कार्ड है। हमारे दोस्त हैं असद मलिक साहब, डॉन के लिए वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। और ख़बर यह है जी कि वो बैरून मुल्क जाएंगे, लॉन्ग लीव लेंगे, और इस वक्त इंतहाई अहम केसेस उनके पास जो है वो ज़ेर समात थे, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, जिसमें ऑडियो लीक्स वाला केस भी था, कुछ और केसेस थे इस्लामाबाद के लोगों को, जो ये एक रीसेंट चेंज आई थी कि उन्होंने डीसी को, उस वक्त के जो डीसी थे इस्लामाबाद के, उनको सज़ा सुनाई थी, और फिर उन्होंने उसको उसी सज़ा को अनडू किया। तो ये इम्पॉर्टेंट पेशरफ थी एक ऐसे वक्त में जब वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हुए हुए, मतलब आप कहें कि अदालत ने ग्रिल किया बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद इंतज़ामिया को और एसपी इस्लामाबाद और जो आईजी थे उस वक्त के, और उनको सज़ाएं सुनाई गई, मगर फिर रिवर्स हुआ फैसला। तो ये देखने में आ रहा था कि यार ये पता नहीं क्या हुआ है। तो अब जो थोड़ी चीज़ें और खुली हैं वो ये है कि वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। अच्छा, इनकी तैनाती जो हुई थी जस्टिस बाबर सत्तार की, उस वक्त भी डी जी आई एस आई जनरल फैज़ हमीद थे। तो अब देखें, एक जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो डिग्री केस में आए हुए हैं, स्टे ऑर्डर है सिर्फ कराची कोर्ट का, यानी कि सिंध हाई कोर्ट का। स्टे ऑर्डर का मतलब ये है कि जब इसके ऊपर बहस होगी, जब दोनों तरफ से दलाइल, ये एक टाइम गेन करने वाला फैक्टर है, और ये स्टे टूट सकता है और टूटेगा, तो ये इसका मतलब कि वो जो छेका था इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, अब उसमें से 4 रह गए जी, दूसरे लफ्ज़ों में। तो इसका मतलब ये है कि बाजी जो है वो पलट रही कहीं ना कहीं। तो ये सारी सूरत हाल है जी, और इसमें मज़ीद इंटरेस्टिंग जो चार्जशीट है वो सामने आ सकती है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से आने वाले दिनों में। और चूंकि इसमें बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ऑफिशियली जब जारी हो तो उसके बाद हम इसके ऊपर बात करें, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी कि हैं ओ कोई रिटायर्ड आदमी इस लेवल के ऊपर प्ले कर सकता है। तो अब ये देखना है जी कि नए आईजी जो एजी हैं उनकी तैनाती, और फिर एफजीसीएम का जो अनाउंसमेंट होनी है इनके, वो अनाउंसमेंट कब होती है, मगर मुझे लगता है कि ये अगले चंद दिनों के अंदर, जैसे रिटायरमेंट्स कंप्लीट होती हैं, ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। अनाउंसमेंट सिर्फ उसके जो लेट जो हुआ है मामला, वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि मज़ीद चीज़ें निकली हैं। वो जो पहली चार्जशीट थी वो एक हिस्सा बन गई है, अब इसका एक हिस्सा और ऐड होने जा रहा है नई चार्जशीट का। तो देखते हैं जी कि उसको कब तक ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है। मगर जो एक सिर्फ सतर आई थी ना जी कि एज अ डी जी आई एस आई उन्होंने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए ज़ाती मनफियत के लिए जो काम किए या ज़ाती फ़ायदे के लिए जो काम किए,
तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि उसके पीछे सॉलिड एविडेंस आने के बाद, उसके ब्रेक होने के बाद और कुछ चीज़ें तस्लीम किए जाने के बाद ये सारा जो है वो एक नया टर्न ले रहा है मामला। और इसका मतलब ये है कि नए टर्न लेने से ये मामला उससे आगे चला गया है टॉप सिटी से, और जो 9 मई के साथ लिंकेजेस हैं उसके बाद ये उससे बड़ा जो केस है कि आपने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए माली मनफियत हासिल की अपने अहदे का इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें अब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि क्या कुछ और भी उनके साथ लोग बीच में आते हैं या नहीं आते। अब चूंकि दायरा बहुत तहकीकात का वसी हो गया, जो लोग उठाए गए हैं जिनसे इंटरोगेशन जारी है, कुछ तो उनके साथ शामिल हो चुके हैं FGCM में जिनका ऑफिशियली कह दिया गया है ब्रिगेडियर और कर्नल, मगर कुछ ऐसे हैं जिनका भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो वो आने वाले दिनों में वो अनाउंसमेंट भी हो सकता है जी। अच्छा भाई साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की लाहौर की जो बैठक है उसमें कौन कौन शरीक होता है, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो बैरून मुल्क उनका जाना है इसके पीछे क्या वजूहात हैं? अच्छा, ये जो दूसरा क्वेश्चन है जी, मैं काफ़ी दिनों से इस पर बात करना चाह रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो कह रहे हैं जी अक्टूबर के पहले हफ्ते में या पहले अशरे के अंदर वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। बैरून मुल्क जाने की वजह ये बताई जा रही है कि डॉक्टर नान भी उनके साथ होंगे, उनका चेकअप होना है, चेकअप उनका बिल्कुल होना है, इसमें तो कोई शक नहीं, पहले से ड्यू है। और ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ भी शायद उनके साथ जाएं। अच्छा, जब ये बात सामने आती है, इसके साथ ही एक मरियम नवाज़ की तरफ से स्टेटमेंट आई जिसने बड़ी आग लगाई, वो ये ठीक है जी पाकिस्तान में को पता तो होता नहीं कि मैं कब तक CM हूँ, ये मुझे भी नहीं पता। तो ये जो स्टेटमेंट थी वो और ये वाली जो मूव थी, दोनों को अगर देखा जाए और फिर जो माहौल बना हुआ कि ये इलेक्शन कल अदम हो जाएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गया तो फिर क्या होगा, ये जो सारी सूरत हाल है ना, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये है क्या एक्चुअली, मतलब ये इतनी सादा नहीं है जितनी बाज़ार नज़र आती है, और सिर्फ दवाई की हद तक भी मामला नहीं है। कुछ अरसे से मियाँ नवाज शरीफ साहब की बैठक जो है ना वो दोबारा ओपन हुई थी लाहौर में, कुछ अरसा मतलब आप कह लें पिछले 3 महीने कह लें। इस 3 महीने के अंदर ये जो बैठक है ना जी, उसमें परवेज़ रशीद साहब शरीक होते हैं, जो मेरे पास मालूम हैं उसके मुताबिक परवेज़ रशीद साहब शरीक होते हैं, ये बड़े उनके दरीना साथी हैं। फिर उनके साथ कभी कभी ख्वाजा साद रफीक साहब भी अक्सर चले जाते हैं वहाँ पे, इनकी भी गपशप होती है। फिर एक कर्नल रिटायर्ड सैफ हैं, ये भी इस बैठक के बाकायदा जो है वो कह लें कि रोज़ाना की बुनियाद पे शरीक होने वाले हैं। फिर इनके साथ 2-3 ब्यूरोक्रेट हैं, और एक सियासतदान है रावलपिंडी से, ये जो सैनेटर हैं नासर भट्ट साहब, इनका एक किरदार है आपको पता ही है, वो जो जाई साहब की वीडियो लीक शीक्स आई थी उसमें इनका एक रोल था, और वो सारा नेटवर्क इन्होंने एक्सपोज करने में और काफ़ी चीज़ें ये सामने लेके आए थे। ये नवाज शरीफ इनको अपने मौसम मानते हैं, और इसी तरह एक दो लोग और हैं जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं। ये जो बैठक है ना जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इससे मरियम नवाज़ का डिस्टेंस जो है, जो हमारे पास हो नो है, जो हमने नो इकट्ठी की है इधर उधर से कि जी इस सारी बैठक का उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर कोई अभी तक रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आया किसी, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें मरियम नवाज़ को तनकीद का सामना ज़रूर है। उनको कहा यह जाता है जी कि वो मरियम औरंगज़ेब को की सिर्फ बात सुनती हैं, सिर्फ उनको साथ लेके चलती हैं, और चीफ सेक्रेटरी की बात सुनती हैं, साजिद जफर डाल है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनकी बात सुनती हैं और वो किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं सुनती। ये उन्होंने खुद भी कहा है वैसे कि मैं सुनती सुनती किसी की नहीं हूँ, मगर उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो परवेज़ रशीद साहब उनके साथ होते हैं अक्सर, आप देखें कहीं भी फंक्शन हो आगे पीछे वो मौजूद होते हैं, मगर परवेज़ रशीद की जो पॉलिसीज़ की रिफ्लेक्शन है या सोच की रिफ्लेक्शन है वो मरियम नवाज़ की गवर्नेंस के अंदर अभी तक नज़र नहीं आई। लेकिन ये जो बैठक है ये काफ़ी जो है ना, इसमें मामलात इस हवाले से डिस्कस होते रहे हैं कि जनाब ये कैसे असर रसूख काम किया जाए फ़ौज का इसमें सिविल के अंदर, और पार्टी को कैसे किया जाए आगे पीछे। तो जब ये गुफ्तगू होती है तो आपको पता है गुफ्तगू कहीं से कहीं निकल जाती है, तो ये कुछ रिजर्वेशंस जो है PMLN के अपने अंदर भी इसके ऊपर पाई जाती हैं। कुछ लीडर्स जो हैं जो कि जिनको हम डव कहते हैं, ये जो कहते हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट को टो करते हैं, जिसमें मलक अहमद हैं पंजाब में, इनके वफाक में ख्वाजा आसिफ हैं, ये आपके हैं एहसन इकबाल और इस तरह के जो पॉलिटिशियन हैं, उनके अंदर ही अंदर एक चीज़ चल रही थी कि यार ये बैठक हमें कहीं मरवा ना दे, कोई नई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे वापस मामला जो है वो ख़राब हो जाए।
तो वो दबे हल्के फुल्के अंदाज में इधर उधर से वो आपस में करते रहते थे, मगर अभी तक मियां नवाज शरीफ से किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो बात करे कि जनाब है थोड़ा या मेहरबानी करो। तो वो मेहरबानी जो है होते होते मामला अब आ गया जी जस्टिस मंसूर अली शाह पे कि अगर ये चीफ जस्टिस बनते हैं तो फिर क्या बनेगा इस गवर्नमेंट का, ये जो हुकूमती इंतजाम इंसाम है इसका क्या बनेगा, और जस्टिस फायज ईसा साहब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले जाते हैं। अच्छा, इसके हवाले से अब खबर आपको मैं दे दूँ, सारा कुछ सेट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो गो थ्रू कर जाएगी, सिवाय जो काजी फायज ईसा साहब की तकर्री है या उनकी एक्सटेंशन है उसके हवाले से, और मामलात इस हद तक तय हो चुके हुए हैं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की वापसी का इंतज़ार है। 30 को प्राइम मिनिस्टर वापस आएंगे और अगले एक वीक के अंदर इस ये जो अमेंडमेंट है इसको टेबल किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी मौलाना इसके ऊपर मुकम्मल एग्री कर चुके हुए हैं, ANP एग्री कर चुकी हुई है और काफ़ी हद तक चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया गया है और ये अमेंडमेंट गो थ्रू हो सकती है जस्टिस फायज ईसा के बैठे हुए भी, मगर मेरी इतला के मुताबिक अब तक इसमें जस्टिस फायज ईसा कहीं नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिर्फ पैनल वाली बात तय हो जाती है कि जी प्राइम मिनिस्टर को एक पैनल जाएगा जिसके ऊपर दूसरे जो जजों का ग्रो है या ग्रुप है उसको इतराज़ात हैं और जिसको लीड कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, अब ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। अब वो पैनल वाले मामले को दो ट्रिकी चीज़ें हैं, एक 63A केस लगा हुआ है, मेरी इतला ये है कि 63A जो है वो बेंच टूट जाएगा और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच में हैं। अगर पहली बात यह है कि किसी और जज को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है कि वो इस बेंच का ऐसा बनने से इनकार कर दे आखिरी वक्त में और जिस वक्त तो ये केस लगे उस वक्त वो कहे जी मैं इस बेंच में बैठने से माजरत ख्वाहूँ, ये अगर तैयार ना हुए तो फिर आखिरी अरबे के तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो खुद बेंच छोड़ सकते हैं और वो उनको इस वक्त इस बेंच में रखना मजबूरी इसलिए थी कि वो पिछले फैसले के आथर हैं जो 63A के ऊपर आथर मीन के उस बेंच में वो शरीक थे, वो फैसला लिखने वालों में शरीक थे, आथर तो खैर नहीं आप। खैर अब ये जो 63A वाली रिवीजन है ना इसके ऊपर भी कोशिश ये की जा रही है जो दूसरा ग्रुप है जजों का उसकी तरफ से कि जस्टिस फायज ईसा के होते हुए इसका फैसला ना 25 अक्टूबर है जी उनकी, अगर ये अभी बेंच बैठता है और बेंच टूट जाता है तो उसमें फिर कुछ दिन लगेंगे, बेंच बनेगा दोबारा क्योंकि जजेस की एंगेजमेंट होती है ना, बेंच दोबारा बनेगा, केस दोबारा लगेगा, 1 वीक भी अगर निकल जाए और आगे लिंगर ऑन करके वकला के ज़रिए 25 अक्टूबर तक किसी तरीके 63A का अगर फैसला ना होने दिया जाए जो कि मुझे लगता है कि दूसरी साइड का मंसूबा है कि ना होने दिया जाए तो फिर उनको लगता है जी कि आगे चल के इसको हम हैंडल कर सकते हैं और जो बंदयाल वाला फैसला उसको इंटैक्ट रखा जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये इंटैक्ट रहा तो फिर गवर्नमेंट कैसे पूरे करेगी जी बंदे, ये वो इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कुछ लोगों का भी मसला है सेनेट में बिलखसूस। तो ये सारी सूरतयाल है जी इस वक्त तक, गवर्नमेंट ऑल सेट मतलब पीपल्स पार्टी ऑल सेट कर चुकी है और गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, उनके साथ जो PMLN है वो ऑन बोर्ड है और प्राइम मिनिस्टर की वापसी के ऊपर ये अमेंडमेंट आ सकती हैं और ये पास भी हो सकती हैं, मगर वो जो मामला है जस्टिस फायज ईसा वाला उसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं हो सका और मुझे नहीं लगता कि वो गो थ्रू वो कर पाएगा। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने ऑडियंस को अपडेट किया। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेटेड वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में दें।